हेलो प्यारे बच्चों बच्चों कैसे हैं आप सभी आई होप कि सभी अच्छे होंगे बच्चों आज की इस वीडियो में हम क्लास फर्स्ट के सब्जेक्ट ईवीएस के वर्कशीट नंबर ट्वेंटी टू को सॉल्व करेंगे जो कि नॉर्थ दिल्ली म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के द्वारा दी गई है बच्चों आपकी इस वर्कशीट का टॉपिक है रोड सेफ्टी तो वीडियो को शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहें तो शुरू करते हैं फर्स्ट है आइडेंटिफाई द फॉलोइंग ट्रैफ़िक साइंस बच्चों यहाँ पर कुछ ट्रैफिक साइंस दिए गए हैं आप उन्हें पहचान कर उनके नाम लिखेंगे तो बच्चों फ़र्स्ट पिक्चर में कौन सा साइन है ये है बच्चों नो no पार्किंग यहाँ पर आप अपने व्हीकल्स जो हैं पार्क नहीं कर सकते हैं जहाँ पर ये वाला साइन लगा होता है नेक्स्ट पिक्चर में है बच्चों नो स्टॉपिंग इट मीन्स जहाँ पर ये साइन लगा हुआ होता है इट मीन्स इसका मतलब होता है कि यहाँ पर आप रुक नहीं सकते नेक्स्ट है बच्चों ये कौन सा साइन है ये है पेरिस्ट्रेन क्रॉसिंग तो बच्चों इस पर जो है पैदल जो है क्रॉस करते हैं रोड को तो जहाँ पर ये साइन होता है इट मीन्स यहाँ से आपको रोड क्रॉस करनी है नेक्स्ट है बच्चों जहाँ पर ये वाला साइन होता है इट मीन्स कि यहाँ पर हॉर्न प्रोहिबिटेड इट मीन्स आप हॉर्न नहीं बजा सकते हैं नेक्स्ट है बच्चों इस साइन का मीनिंग होता है राइट टर्न प्रोहिबिटेड इट मीन्स राइट साइड में आप टर्न नहीं ले सकते हैं नेक्स्ट है यू टर्न प्रोहिबिटेड इट मीन्स आप यहाँ से यू टर्न नहीं ले सकते हैं जहाँ पर ये वाला साइन है अब बच्चों नेक्स्ट है चूज द करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर आपको सही ऑप्शन चूज़ करना है वी शुड ऑलवेज क्रॉस द रोड हमें रोड जो है हमेशा कैसे क्रॉस करनी चाहिए सेफली सुरक्षित रूप से अनसेफली या फिर डेंजरसली इट मीन्स खतरनाक रूप से तो बच्चों आंसर है ऑप्शन नंबर ए सेफली नेक्स्ट है When traffic light is green, जब ट्रैफिक लाइट हरी होती है इट मीन्स तो इसका क्या मतलब होता है स्टॉप रुकना वेट इंतजार करना गो या फिर जाना तो बच्चों आंसर है ऑप्शन नंबर सी गो नेक्स्ट है वेन ट्रैफिक लाइट इज रेड जब ट्रैफिक लाइट लाल होती है इट मींस तो इसका क्या मतलब होता है स्टॉप रुकना वेट इंतजार करना गो या फिर जाना तो बच्चों आंसर है ऑप्शन नंबर ए स्टॉप रुक जाना नेक्स्ट है वेन ट्रैफिक लाइट इज येलो जब ट्रैफिक लाइट येलो होती है पीली होती है इट मींस तो इसका क्या अर्थ होता है स्टॉप रुकना वेट इंतजार करना या फिर गो जाना तो बच्चों आंसर है ऑप्शन नंबर बी वेट करना नेक्स्ट है वी शुड क्रॉस द रोड एट हमें सड़क कहाँ से पार करनी चाहिए एनी प्लेस ऑन द रोड रोड पर किसी भी स्थान से या फिर एट जेब्रा क्रॉसिंग ऑन द रोड या फिर रोड पर जेब्रा क्रॉसिंग से इफ़ सबवे और ओवर फुट ओवर ब्रिज इज़ नॉट अवेलेबल यदि फुट ओवर ब्रिज या सबवे उपलब्ध नहीं है सड़क पर या फिर एट जेब्रा क्रॉसिंग ऑलवेज या फिर हमेशा जेब्रा क्रॉसिंग से तो बच्चों आंसर है ऑप्शन नंबर बी हमें जेब्रा क्रॉसिंग से रोड को क्रॉस करना चाहिए यदि सड़क पर सबवे नहीं है या फिर ओवरब्रिज नहीं है नेक्स्ट है प्लेइंग ऑन द रोड इज रोड पर खेलना क्या है सेफ है गुड है या फिर डेंजरस तो बच्चों आंसर है ऑप्शन नंबर सी डेंजरस है नेक्स्ट है प्लेइंग इन द प्ले ग्राउंड इज प्ले ग्राउंड में खेलना सेफ है अनसेफ है या फिर डेंजरस तो बच्चों आंसर है ऑप्शन नंबर ए सेफ है सुरक्षित है नेक्स्ट है वी शुड वॉक ऑन द रोड एट हमें सड़क पर किस साइड जो है चलना चाहिए तो बच्चों यहाँ पर ऑप्शन है लेफ्ट हैंड साइड ऑन द पेमेंट उल्टी तरफ इट मीन्स बाय तरफ हमें सड़क के चलना चाहिए या फिर राइट हैंड साइड ऑन द पेमेंट या फिर बिटवीन द रोड तो बच्चों आंसर है ऑप्शन नंबर ए अब बच्चों स्टेट वेदर फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स पर बताना है कि ये जो स्टेटमेंट्स दिए गए हैं ये सही हैं या फिर गलत हैं तो बच्चों सही के लिए इट मीनस यदि ट्रू है तो टी लिखेंगे फॉल्स है तो एफ लिखेंगे फर्स्ट है वी शुड नॉट प्ले विथ शार्प ऑब्जेक्ट लाइक ब्लेड नीडल्स और नाइफ्स हमें शार्प ऑब्जेक्ट्स इट मीन धारदार ऑब्जेक्ट्स जैसे कि ब्लेड सुई, चाकू आदि के साथ नहीं खेलना चाहिए तो बच्चों येस इट इज़ ट्रू यहाँ टी लिखेंगे नेक्स्ट है वी शुड प्ले विद इलेक्ट्रिक अप्लायसेस हमें बिजली के सामानों के साथ खेलना चाहिए तो बच्चों गलत है यहाँ पर एफ़ लिखेंगे वी शुड प्ले ऑन द रोड हमें सड़क पर खेलना चाहिए तो बच्चों ये भी फॉल्स है एफ़ लिखेंगे प्लेइंग ऑन द रोड इज डेंजरस सड़क पर खेलना डेंजरस होता है खतरनाक तो बच्चों येस इट इज़ ट्रू नेक्स्ट है वी शुड क्रॉस द रोड सेफली हमें सुरक्षित रूप से सड़क को पार करना चाहिए येस इट इज़ ऑल्सो ट्रू नेक्स्ट है वी शुड क्रॉस द रोड एट जैबरा क्रॉसिंग हमें सड़क को जैबरा क्रॉसिंग पर पार करना चाहिए तो बच्चों यस ऑफ कॉर्स इट इज़ ट्रू नेक्स्ट है वेन ट्रैफिक लाइट इज ग्रीन जब ट्रैफिक लाइट जो है ग्रीन होती है इट मीन्स स्टॉप तो इसका मतलब रुकना होता है तो बच्चों गलत है फॉल्स लिखेंगे यहाँ इट मीन्स इसका मतलब होता है गो नेक्स्ट है वी शुड नॉट फाइट वाइल प्लेइंग हमें खेलते हुए लड़ना नहीं चाहिए तो बच्चों यस इट इज ट्रू वी शुड प्ले इन प्ले ग्राउंड हमें प्ले ग्राउंड में खेलना चाहिए तो बच्चों यस इट इज ट्रू लाइफ स्किल बैलेंस डाइट प्रोटेक्टिव फूड्स संतुलित आहार सुरक्षात्मक भोजन थर्ड टाइप ऑफ फूड इन बैलेंस डाइट इज प्रोटेक्टिव फूड तीसरे प्रकार के भोजन में कौन सा भोजन है तो बच्चों ये है प्रोटेक्टिव फूड इट मीन्स सुरक्षात्मक भोजन फूड आइटम्स दैट अस विटामिन एंड मिनरल्स आर कॉल्ड प्रोटेक्टिव फूड्स वे फूड आइटम जो कि हमें विटामिन और मिनरल्स खनिज देते हैं सुरक्षात्मक भोजन कहलाते हैं डीज फूड आइटम्स हेल्प ये जो फ़ूड आइटम्स हैं हमारी मदद करते हैं प्रोटेक्टिंग अवर बॉडी फ्रॉम डिसीज़ बीमारियों से हमारे शरीर की सुरक्षा करने में द बॉडी टू हील मच फास्टर शरीर को तेजी से स्वस्थ होने में द बॉडी टू स्टे हेल्दी और शरीर को स्वस्थ रहने में फ्यू एग्जाम्पल्स ऑफ प्रोटेक्टिव फूड्स आर प्रोटेक्टिव फूड के कुछ एग्जाम्पल्स हैं स्पिनज पालक मैंगो आम कैरेट गाजर पपाया पपीता मिल्क दूध लेमन नींबू ग्रीन वेजिटेबल्स एटसेट्रा हरी सब्जियाँ आदि आवर फर्स्ट वेल्थ इज आवर हेल्थ हमारा स्वास्थ्य ही हमारा प्रथम धन है सो स्टार्ट ईटिंग हेल्दी एंड बैलेंस डाइट इसीलिए संतुलित आहार और स्वस्थ आहार खाना शुरू करें एंड स्टार्ट अवॉइडिंग जंक फूड और जंक फूड से बचना शुरू करें अब क्वेश्चन है मेक आ लिस्ट ऑफ एनी फाइव प्रोटेक्टिव फूड आइटम्स अवेलेबल एट योर होम बच्चों आपके घर पर उपलब्ध कोई भी पांच प्रोटेक्टिव फूड आइटम के यहाँ पर आपको नाम लिखने हैं तो बच्चों आप किसी के भी नाम लिख सकते हैं जो कि प्रोटेक्टिव फूड आइटम हैं तो बच्चों जैसे कि आंसर है मिल्क दूध स्पिनच पालक लेमन नींबू पपाया पपीता एग्स अंडे तो ये सभी क्या हैं प्रोटेक्टिव फूड आइटम्स हैं संस्कार साला वेन यू आर गुड टू अदर्स जब आप दूसरों के लिए अच्छे होते हैं ओनली देन आर यू बेस्ट टू योर सेल्फ केवल तभी आप अपने लिए भी अच्छे होते हैं किसने कहा है बेंजामिन फ्रैंकलिन ने फूड एंड ड्रिंक इंक्लूड वेजिटेबल्स यूज इन विंटर बच्चों आपको सर्दियों में यूज की जाने वाली सब्जियाँ जैसे कि लाइक स्पिनच मस्टर्ड कैरेट एंड स्वीट पोटैटो एटसेट्रा इन योर डाइट अपनी डाइट में इन्हें आप इंक्लूड करेंगे एक्टिविटी ऑर्गेनाइज प्लांट्स एंड पॉट्स इन द हाउस विद पेरेंट्स और ओल्डर सिबलिंग्स बच्चों आप अपने घर में अपने पेरेंट्स की मदद से अपने बहन भाई इन सभी की मदद से प्लांट्स और पॉट्स को ऑर्गेनाइज करेंगे गेम है प्ले द जंप रॉप गेम बच्चों आप रस्सी कूद खेलेंगे एंड सी हु जम्प्स द रॉप फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम और बच्चों आप देखेंगे रिकॉर्ड करेंगे कि कौन जो है अधिक समय तक रस्सी कूदता है डेली रूटीन इंक्लूड द फॉलोइंग हैबिट्स इन योर डेली रूटीन बच्चों दी गई हैबिट्स को आप अपने डेली रूटीन में इंक्लूड करेंगे बिगिन योर डे बाय ग्रीटिंग योर पेरेंट्स अपने पेरेंट्स को ग्रीट करके अभिवादन करके दिन की शुरुआत करें ब्रश योर टीथ ट्वाइस अ डे दिन में दो बार दांतों को ब्रश करें टेक अ बाथ डेली रोजाना नहाएं ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर पर्याप्त मात्रा में पानी पिए एंड ईट अ बैलेंस डाइट और संतुलित आहार लें अवॉइड टचिंग योर फेस अपने चेहरे को छूने से बचें एंड वॉश योर हैंड्स फ्रिक्वेंटली और नियमित रूप से अपने हाथों को धोएं कंप्लीट योर होमवर्क ऑन टाइम और समय पर अपना गृह कार्य पूरा करें Students, if you like this video, please like and share. And if you are new on this channel, please subscribe the channel. Thank you.